वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं लॉजिकटेक का एक माउस, ब्लूटूथ कनेक्टेड माउस है ये, और जिसका मॉडल नंबर है M337 जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और इस माउस को मैं एक बार सिस्टम से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या है। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं तो आप ब्लूटूथ माउस को कहीं से भी यूज़ करें, मीन्स 10 मीटर की दूरी से, तो काफ़ी ठीक रहता है वो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सेल डाल के दिया हुआ है पहले से, और इसमें एक स्ट्रिप लगा थी जिससे कि वो वर्किंग ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ एक सेल मेरे को मिला है जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसके साथ कोई ऐसी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है जो मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी हो, मीन्स अभी तक तो मुझे नहीं दिखी है। तो एक बार मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ डायरेक्ट ब्लूटूथ से, इसके सिस्टम के ब्लूटूथ से। यहाँ पर देखिए आप, एड ए ब्लूटूथ डिवाइस, मैं जाता हूँ इसको ऑन करता हूँ, एड ए ब्लूटूथ डिवाइस, इसको सिलेक्ट करता हूँ माउस। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आप माउस, इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस। और सेटिंग अप ए डिवाइस यहाँ पे मुझे आ गया है, और अगर मैं इसको चलाऊँ, यस इट इज वर्किंग नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बटन है जो कि गेस्चर बटन, इन्होंने बताया है कि इससे क्या होता है, रिसेंट में जितने भी ऐप होती हैं, जैसे अपन ऑल्ट टैब करके उसको स्विच करते हैं, तो यहाँ से आपको सारी एप्स और रिसेंट जो हैं आपके वो दिखने लगेंगे, और आप उसको क्लिक करके लॉन्च कर सकते हैं। तो एक बार मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जो ब्लूटूथ का साइन बना है, तो आपको अगर अपनी डिवाइस जैसे काफ़ 10 सेकेंड या 1 मिनट के बाद ये डिस्कवरेबल बंद हो जाएगा, तो आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि आपका सिस्टम उसको फाइंड आउट कर पाए। तो अभी ये देखते हैं, मैंने इसको ऑन भी कर रखा है, ये कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये PSI वाला, सॉरी गेस्चर बटन जो मैं दबाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऐप्स हैं, फायरफॉक्स और सेकंड ऐप दूसरी है, तो वो सेकंड ऐप मैंने प्रेस करी तो वो सेकंड ऐप खुल गई है यहाँ पे। तो PSI का ये है, जितनी भी रिसेंट ऐप है, लाइक मेरे में स्लैक है, फायरफॉक्स है, तो मेरे पास दो रिसेंट ऐप है। मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो सेकेंड वाली ऐप खुल गई मेरी यहाँ पे, जो भी रिसेंट ऐप होगी वो खुल जाएगी। और अभी मैं क्लिक की बात करूँ तो क्लिक भी काफ़ी स्मूथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, एवरीथिंग। स्क्रॉल भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो इस माउस से रिलेटेड, जिसका लॉजिकटेक कंपनी का ये माउस है M337, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe my channel, press the bell icon for more updates of our video. Thank you.